कृषि कानून के खिलाफ पिछले एक साल से आंदोलन कर रहे आंदोलनकारी अब अपने घर लौट रहे हैं। केंद्र सरकार ने कृषि बिल वापस ले लिया, इसके बाद आंदोलन खत्म करने की घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दी। आंदोलन के दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हमेशा चर्चा में बने रहे। कभी टिकैत अपने विवादित बयानों के लिए तो कभी अपने आप को किसानों का हितैषी बताकर वो किसान आंदोलन के केंद्र बिंदु में रहे। लेकिन जैसे ही आंदोलन खत्म होने के कगार पर पहुंचा टिकैत को संयुक्त किसान मोर्चा ने साइड कर दिया। बीते दिनों भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की और टिकैत अलग थलग नजर आए। एसकेएम के बड़े नेता और आंदोलन में प्रवक्ता के तौर पर शुरुआत से ही सक्रिय योगेंद्र यादव ने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और गाजीपुर बॉर्डर के सिपहसालार राकेश टिकैत को टैलेंडर बता दिया। योगेंद्र यादव ने बड़े मौके पर बातों बातों में टिकैत को आंदोलन का श्रेय देने से इनकार कर दिया। योगेंद्र यादव ने कहा कि पंजाब के किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल सबसे पहले हैं और राकेश टिकैत सबसे लास्ट हैं। इसके बाद से साफ हो गया कि टिकैत को मोर्चा ने साइड कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार से बातचीत के लिए एसकेएम ने 5 सदस्यों की जो कमेटी बनाई है उसमें भी टिकैत को शामिल नहीं किया गया है, जबकि टिकैत के विरोधी गुरनाम सिंह चढ़नी इस कमेटी का हिस्सा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि टिकैत कहीं के नहीं रहे। अब सवाल ये उठ रहा है कि टिकैत को आखिर मोर्चा ने अलग थलग क्यों कर दिया है, इसके कई वजह हैं। टिकैत और हरियाणा के नेता चढ़ूनी के बीच विवाद हमेशा से रहे हैं। टिकैत यूपी छोड़ हरियाणा में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में जुटे थे, जो चढ़ूनी को रास नहीं आ रहा था। बातों ही बातों में कई बार चढ़ूनी ये इशारा भी कर चुके थे कि टिकैत को उत्तर प्रदेश देखना चाहिए, हरियाणा को हम संभाल ही लेंगे। टिकैत को आंदोलन से दरकिनार करने की बड़ी वजह पंजाब के जत्थेदार संगठन भी थे। सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि जिस तरह से टिकैत को मीडिया में कवरेज मिल रही थी, ऐसे में पंजाब के किसान नेता को लगा कि टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर पूरे किसान आंदोलन के श्रेय को लूट रहे हैं। उधर खबर ये भी आ रही है कि एसकेएम ने सरकार से बातचीत के लिए जो 5 लोग चुने हैं उसमें टिकैत को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि पंजाब हरियाणा के किसान संगठन टिकैत के नाम पर तैयार नहीं हुए, जिसके बाद उनकी ही कमेटी के युद्धवीर सिंह को कमेटी में शामिल किया गया। इसके अलावा योगेंद्र यादव और टिकैत हमेशा से आमने सामने रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन के दौरान कई और घटनाएं हुए जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसान टिकैत से नाराज रहे हैं। ऐसे में जब आंदोलन का हल निकल गया और केंद्र सरकार ने किसानों की बात मान ली तो किसान संयुक्त मोर्चा ने सही वक्त देखकर टिकैत को साइड कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।